गाइस देख सकते हैं आप कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर, मतलब अल्टीमेट। सो दोस्तों अभी हमारा ब्लॉग होता है शुरू डे वन का। ये हमारा पीछे आप घर से देख सकते हैं हम कहाँ रुके हुए हैं, तो वो भी हम चल देते हैं वायगटारा बीच और उसके बाद आपको दिखाने वाले हैं कितना मोनू है। ये तस्वीर नहीं है, ये हमने भी इसको फायर किया है अभी रेंट पे। ओ है ना, ये हमारा ड्राइवर है। ड्राइवर चलते हैं अब तुम्हें तो पता ही है ड्राइवर को ड्राइवर की तरह रहना चाहिए, इसलिए मैं यही सिखा रहा था इनको, एक तो ड्राइविंग सेफ करो और ड्राइवर है तो ड्राइवर की तरह रहो। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा वायगटारा बीच और वैग हम नज़ारा दिखाएंगे आपको। जब भी गोवा में आओ तो कम से कम 4 से 5 दिन लेके आओ, तभी मतलब आप आराम से अलग अलग बीचेस पर घूम सकते हो, जैसा बागा बीच है, वायगटारा बीच है, अंजुना बीच है, तभी आप घूम पाओगे उन पे 4 से 5 दिन, क्योंकि बीचेस काफ़ी बड़े बड़े हैं, फिर स्पोर्ट्स राइड है साथ में, तो टाइम तो लगता ही है और मज़ा आने वाला है। अभी हम वायगटारा बीच जा रहे हैं, वायगटारा बीच जा रहे हैं तो हम आपको वहाँ का नज़ारा भी दिखाएंगे, ठीक है। ड्राइवर को दिखा दूंगा, ड्राइवर को, ये ड्राइवर है, ड्राइवर आओ लेके चले। तो जहाँ से हमारा रूम है वहाँ से ये वायगटारा बीच तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर है, तो इस वजह से हमने आज का जो हमारा जो स्टे है वो यहीं पर ही है, जहाँ पर मैंने आपसे भी लेके आया हूँ जहाँ से आपको, और कल का जो हमारा स्टे है वो कहीं दूसरी जगह पर है, तो हम वो भी आपको दिखाएँगे कल वाला, कल का हमारा कहाँ पर स्टे है, क्या रूम क्या है रूम है, ठीक है गाइज। और ये हम अभी वायगटारा बीच की ओर ही जा रहे हैं धीरे धीरे। मतलब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मज़ा आ जाता है इधर, और जो आपको मतलब रिलैक्स होना है 5-4 दिन के लिए, ऑफिस का प्रेशर है, बहुत सारे प्रेशर होते हैं माइंड में, तो आप इधर रिलैक्स होने आ सकते हैं। इधर 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 पचड़ा वायगटारा, हमारे एक्टिव में हवा कम है इस वजह से हम थोड़ा हवा बनवाने के लिए रुके हैं इधर। तो जैसे हम आए यहाँ पर तो हमें एक रूम और एक्टिवा जो हमने लिया है रेंट पर लिया है, ठीक है, एक्टिवा का जो चार्ज है वो 500 रुपये है, लेकिन जिन अंकल के पास हम आए हैं, जिनके पास हम पहले भी आए थे, उन्होंने हमारा ये चार्ज 350 रुपये में करा दिया था। तो गाइज मतलब इधर आ रहे हो तो एक्टिवा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्टिवा पे आप घूमोगे तो मज़ा आएगा, बाकी अगर जो तुम लोकल बसेस में सफ़र करोगे तो नहीं कर पाओगे, मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर आपको टी शर्ट मिल जाएंगी वैसे तो, फ्लाई ओवर फैमिली सैलून। इधर आपको पाव भाजी, ये शूट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वायगटारा। वायगटारा एन स्वामी मुत्तु स्वामी, कहाँ जा रहे हैं? वायगटारा। ये देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा टेम्परेचर है, माहौल बहुत अच्छा फील होता है, मतलब इधर यहाँ का इन्वायरमेंट। ये अंजुना बीच आ गए क्या हम? आप अंजुना दुनिया ना था जब मैं, नहीं 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 ये अंजुना ही है यार, अंजुना नहीं जाना भाई, पीछे ले पीछे ले, अभी इसका एक्साइटमेंट ख़त्म। गाइस हम गलती से अंजुना बीच आ गए, लेकिन हमें अंजुना नहीं जाना, हमें वायगटारा जाना है। तो गाइस हम गलती से अंजुना बीच चले गए थे, अब वायगटारा बीच जा रहे हैं। थोड़े यहाँ के रास्ते थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, तो कभी कभार ध्यान भटक जाता है, और अभी हम वायगटारा बीच की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बीच में मिल गए थे पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस। वायगटारा बीच पे जा रहे हैं, वायगटारा अपने को देखो, वायगटारा बीच पे जाना मांगता,
और हम आ गए अंजना वीक पे। तो मैं अंजना बीच पे नहीं जाना मांगता, मेरे को वेगेटर बीच पे जाना मांगता, क्योंकि अंजना बीच पे मेरे को कल जाना मांगता। क्यों कल जाना मांगता? तो इसलिए बस बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे वेगेटर बीच की ओर, दिखाएंगे आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे। यार मतलब बंदे बोलते हैं कि गोवा में बहुत गर्मी है, ये वो नॉर्मल ही है, मतलब कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है। हाँ ये है कि थोड़ा खुला खुला रहता है तो थोड़ा धूप ज़्यादा लगती है, उस वजह से टैनिंग आ जाती है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप एंजॉय करने आए हो 4-5 दिन के लिए, तो एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिखता हुआ अब वेगेटारा बीच, देखिए सामने दिख रहा होगा आपको वेगेटार बीच, और यहाँ पे हम करने वाले हैं बहुत मज़े, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत करने वाले हैं मज़े। देखो ये लगाता हुआ, मैंने 500-600 रुपये दिए थे साथ में, मैंने कहा था साथ में छोड़ना है, कि ये रूल को इतने फॉलो करते हैं, मतलब कि अपने साथ हेलमेट लेके जा रहे हैं। मिलेंगे आपसे, मुलाकात होगी तुमसे दोबारा अनजाने में। गाइस हम वेगेटारा बीच की ओर, यहाँ का देखिए, ये देख सकते हैं वेगेटारा बीच, छोड़ो उसको, उसको फोकस नहीं किया करते। और यहाँ का अपना नज़ारा देखो, इधर ये नारियल पानी चल रहा है, ये वेगेटारा इधर देख सकते हैं आप। आपका भी मन कर रहा होगा इधर आने का वैसे तो। अभी हम जाएंगे इसके अंदर और देखेंगे कितनी मज़े आने वाली है। अभी गरम गरम तो है पानी, लेकिन हम जब आगे जाएंगे तो शायद आगे का पोर्शन हम नहीं दिखा पाएंगे आपको। ये देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं आप कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर, मतलब अल्टीमेट। आप कभी आओ यार वेगेटारा बीच, आओ, अलग ही फील आता है। ठीक है अभी इसके अंदर हम नहीं पड़ेंगे, अभी पहले हम, अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि हमें नाना है थोड़ा सा, इस वजह से हम कैमरे को लेके जा रहे हैं बैग में, एक्टिवा की डिग्गी में रखने वाले हैं कैमरा।